की आई, उसके बाद कुछ विधायकों में जिनके मौजूदा टिकट के काटे गए। स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ही संतुष्ट हो सकता हूँ, सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफी नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन रखकर चलनी पड़ेगी। पर बीजेपी में जो धमाल पट्टी हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी दफ्तर का मैंने सुना ताला लगा हुआ है, पीछे जाना पड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर पिछले 15-20 दिन से पीछे से जाते हैं, आगे का लॉक कर रखा है। आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूं कि थोड़ी नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे समय बाइंदार सबकी सलाह से हुआ है, बाइंदार। अब उसके बाद भी थोड़ी बहुत शिकायत आ सकती है, तो चुनाव हम जीत के आएंगे। इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए। अगर हमारे देश के अंदर नाम राजस्थान के पहली बार हुआ है, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारे विकास कार्यक्रमों का, हमारी योजनाओं का, हमारे कानूनों का अगर चर्चा चल रही है, मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं कभी कि राजस्थान की चर्चा उड़ीसा में भी चले, तमिलनाडु में भी चले, बिहार में भी चले, मणिपुर में चले, ऐसा कभी हुआ नहीं। पहली बार राजस्थान की चर्चाएं पूरे देश के अंदर हो रही है, ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं मानता हूं हमारी जो शानदार योजना है, हम चुनाव उसी के आधार पर लड़ेंगे। हमारी क्रेडिबिलिटी जनता में पहुंची है, क्योंकि महंगाई राहत शिविरों में जो हमने वादे किए थे वो वादे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो और ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ गई हमारी। अब जो 7 गारंटी दी हमने दी है, उस पर लोग विश्वास करेंगे। अगर महंगाई राहत शिविर लगते, वादे करते, गारंटी कार्ड बांटते और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो हो सकता आगे विश्वास जनता नहीं कर सकती। जब इम्प्लीमेंट हो गया, 25 लाख का बीमा किसे करते हैं इलाज का, 1000 लोग इलाज करवा रहे हैं, फ्री दवाएं, फ्री ऑपरेशन, सब कुछ कर दिया हमने जनता के लिए, ओपीएस लागू कर दिया, कर्मचारी खुश हैं। तो मैं समझता हूं तमाम, और हमने वादा किया अभी 7 गारंटियों के अंदर ओपीएस कानून लेके आएंगे हम लोग। गोतंत्र की बात कर ली, गोबर जो होता है हर घर के अंदर, किसानों के घर के अंदर गोबर को सरकार खरीदेगी, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया, अच्छा काम किया, वहां पर पॉपुलर स्कीम हुई है, उसको हमने एडॉप्ट कर ली है। तो गोबर खरीदना भी, 5 रुपए प्रति लीटर दूध का देना भी, आज उसके कारण क्या मालूम आपको, हिंदुस्तान के अंदर पहले यूपी नंबर 1 था दूध के उत्पादन के अंदर, आज राजस्थान नंबर 1 हो गया दूध के उत्पादन के अंदर, क्योंकि 5 रुपए हमने किसानों को दिए हैं बोनस दूध के लिए। अब गोबर और खरीद लेंगे हम लोग। आपको मालूम है पशुओं की दवा मैंने फ्री कर रखी है, मनुष्यों के साथ में पशुओं का इलाज भी फ्री है, इलाज फ्री है पशुओं का, दवाएं फ्री उनके लिए भी है। तो आज हम पशुपालन को इतना महत्व दे रहे हैं, किसान के लिए अलग से बजट पेश किया हम लोगों ने, 7 गारंटी दे दी हम लोगों ने। तो मेरा मानना, इन सब बातों को देखते हुए इस बार मेरा मन कहता है कि और कुछ लोग नहीं देखेंगे, हमारे कामों को देखेंगे। और मैंने जो काम किए हैं मैं उनके सामने खड़ा हूं, मैं उनके सामने खड़ा हूं, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है और हमारी सरकार आपके सामने खड़ी है। जो वादे हमने किए थे पिछले चुनाव में, वादे निभाए, करीब करीब सभी वादे निभाए हैं। तो मुझे लगता है जनता इस बार जो है आशीर्वाद देगी। माई बाप तो वो ये देखो, फैसला उनका ही होगा। कंट्रोल अब कैसे रोकेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत जो विरोध अब शुरू हुआ है, क्योंकि दो सूचियों तक तो कुछ विरोध नहीं था, कल चौथी और पांचवी सूची निकली उसके बाद विरोध शुरू हुआ, तो अब इसको कैसे संघर्ष किस प्रकार से हो पाएगा? वही है, डायलॉग से ही संपर्क करेंगे उनसे, रिक्वेस्ट करेंगे। बल्कि मैंने यहाँ तक कहा था भाई, देखिए सबको टिकट नहीं मिल सकता, पर जो टिकट नहीं मिलेगा नेता को, अरे हमारे एमएलए मान लो, हमारा साथ दिया, हमारी सरकार बचाई, उसके बाद भी मैं टिकट नहीं ले पाया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो हमने कहा भैया तुम चुनाव जीताओ, उस क्षेत्र में जो टिकट मिला, चाहे किसी
को टिकट मिला हो, सारी पॉलिटिक्स एक तरफ है, देश पहले है, कांग्रेस पार्टी मजबूत बने देश के अंदर, जरूरत देश को कांग्रेस पार्टी की है, तुम जीता उसको। ये चुनाव खाली कांग्रेस रास्ता का नहीं है, ये चुनाव जो है कांग्रेस के फ्यूचर का चुनाव भी है। तो मैं मानता हूं कि अगर वो जीता देंगे तो हम चुनाव खत्म होने के बाद में उनको हमारे कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे बोर्ड को ऑपरेशन के अंदर, होगा तो जरूरत पड़ेगा तो मंत्री पद का दर्जा दे देंगे उनको हम लोग, और क्या कर सकते हैं। प्रदेश की जनता, प्रदेश योगी आदित्यनाथ आज यहाँ अलवर पहुंचे हैं और सरकार के बारे में कहें कि कानून व्यवस्था को लेकर, खासकर गोरक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ। अब उनका क्यों नाम मेरे सामने लेते हो भाई, बुलडोजर की सरकार वहां पर है, बुलडोजर कभी राइट लेफ्ट घूम गया तो पता नहीं किसके घर में घुस जाएगा। ये कोई राज है, डेमोक्रेसी है, ये कुछ लोग खुश होते हैं इससे, कुछ लोग खुश हो जाते हैं इन बातों से, पर कानून का राज नहीं रहेगा तो आप हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कानून का राज रहना सबसे आवश्यक होता है, और धज्जियां उड़ा दी है उसने कानून राज की, जिनका नाम आप ले रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं, आप समझ सकते हो। मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बात करूंगा अपनी स्कीमों की, अपनी परफॉर्मेंस की, अपने फैसलों की। 3 लाख नौकरी का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया, 1.25 लाख नौकरी लग चुकी है, महंगाई राहत के हमने शिविर लगा दिए हैं, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, पेंशन मिनिमम 1000 रुपये कर दी है, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, सोशल सिक्योरिटी हम सबसे आगे हैं देश के अंदर। मेरा मतलब कि जो गवर्नेंस मुझे करनी थी उस पर हमने कमी नहीं रखी है, और जनता कन्विंस लगती मुझे। मैं देखता हूँ जहाँ मुझे लोग मिलते हैं, अभी मैं बाहर आया हूँ, अबू धाबी से फैमिली आई, वो रुक गई, वो कह रहा हम तो आपको वोट देने के लिए आए हैं अबू धाबी से। मैंने कहा ये लोकतंत्र का उत्सव है, उसमें आप अबू धाबी से आए हो, ये एक मैसेज है पब्लिक के लिए। इससे अभी मैं बाहर निकला हूँ, इन्होंने रिकॉर्ड भी किया इसको, देख रहे थे आप, बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अबू धाबी से आना वोट देने के लिए, अगर ये मुझे आशीर्वाद उनका है, मैं इसको आशीर्वाद मानता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्यार मोहब्बत भाईचारा आशीर्वाद पब्लिक का मिला है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारी सरकार रिपीट करेंगे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आप कब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, नामांकन कब दाखिल करेंगे? सब लोग कांग्रेस रहेंगे, कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, बाबूलाल भैरवा टीवी से कोई ज्वाइन नहीं करेगा। थोड़ा देखिए जब टिकट कटता है या अफवाह फैलती है, अब मलिंगा में अफवाह फैला दी गई, जी टीवी जैसे जो अपना आपको क्रेडिबल, वो राष्ट्रीय स्तर का, और देश में सबसे पहले कौन सा टीवी आया, जी टीवी आया, कौन लेके आया, सुभाष चंद्र लेके आया। उस टीवी के अंदर अगर मान लीजिए आप प्लांटेड न्यूज प्लांट करो, कौन कौन लोग ज्वाइन करें पार्टी को, कौन मुझसे मिला जो था उसके अंदर, जिनके नाम आए उस रिकॉर्डिंग के अंदर, ट्वीट के अंदर, न्यूज के अंदर, जी टीवी में, मुझसे कोई मिला ही नहीं है, तो उन क्षेत्रों में तो गलतफहमी पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए चाहे खेजड़ी हो, चाहे वो बाड़ी हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया, जनता सड़कों पर आ गई। ये मीडिया की ड्यूटी नहीं है कि इस प्रकार मिस इन्फॉर्मेशन दो आप। मुझे बहुत फील हुआ जी टीवी जैसा राष्ट्रीय स्तर का टीवी भी इस प्रकार की हरकत कर सकता है, मिसचीफ कर सकता है। एक सवाल।